ये आकाशवाणी है स्वाधीनता की अमर गाथा। प्रस्तुत है देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं इस धारावाहिक की 8वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। नाना साहब पेशवा ने क्रांति के सभी प्रमुख नेताओं से सलाह करके रविवार 31 मई 1857 का दिन पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ क्रांति कर देने का संदेश भेज दिया था। लेकिन ये सूचना हर केंद्र के केवल मुख्य मुख्य नेताओं को ही दी गई। गोपनीयता की दृष्टि से ऐसा किया गया था। और लोगों को इसकी सूचना देने का काम क्रांति केंद्र के नेताओं की जिम्मेदारी पर सौंपा गया था। क्रांति के प्रचारक अलग अलग वेशों में बराबर घूम रहे थे। कलकत्ते के पास बैरकपुर और दमदम में स्थित भारतीय सेना की छावनी में एक नट नटी ने अपने नृत्य और गीत से सिपाहियों का खूब मनोरंजन किया। अरे लाल मुंह के बंदरों ने दिया उजाड़ है सारा बाग, कैसे कोई ढोल बजाए कैसे कोई गाए राग। घनश्याम सिंह, ये जो गीत गुनगुना रहे हो ये सिर्फ इसके संगीत की वजह से गा रहे हो या ये का मतलब भी समझते हो? अरे पांडे जी, मतलब समझने में क्या रखा है, बंदरों का गीत है पर वो सुसरी नटनिया है, 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 थरक थरक कर कैसा समा बांधे रहा। एक बार तो जी हुआ कि हम ही दो चार ठुमका लगाई ले। तमाशा तो अच्छा था लेकिन उनमें एक राज की बात छिपी थी घनश्याम जी। राज? कैसा राज? यार मंगल पांडे, तुम्हारी तो बाल की खाल निकालने की आदत है, अब भला नट नटी के तमाशे में कौन सा सुसरा राज छिपा हुई? राज छुपा है तभी तो कह रहा हूं। चलो पहले खाना खा ले फिर बैरक की कोठरी में बैठकर बातें होंगी। आओ। ठीक। हाँ भाई मंगल पांडे, आओ बैठो बैठो। अब बताओ जरा कि ऊ नट नटनिया के गाना में कौन सा राज है? माता दी जरा तुम ही बैठो सुनो। ऊ गीत में कहा गया घनश्याम के लाल मुंह के बंदर यानी फिरंगियों ने हमारे देश को उजाड़ दिया है। ये हमारे दुश्मन हैं, लोग इनसे दुखी और परेशान हैं, इनको तो मार भगाए में हमारी भलाई है। मंगल भाई तुम्हारी बात में दम तो है, हमें भी लगता है कि वो लोग हमको यही समझाने आए थे। अरे नाच गाना तो बहाना लगता है। भाई ये तुम कैसे कह सकते हो भाई माता दीन? ऐसे घनश्याम भाई कि जब वो दोनों ढोलक बजाते अपनी छावनी में आए थे ना तो उनको सूबेदार बहादुर सिंह ने रोका था। तो बोले मालिक हम तो हर छावनी में जाते हैं, सिपाहियों का मन बहलाते हैं, हमारे पास रंगेज बहादुर का लिखा इजाजतनामा भी है। अच्छा? हाँ, उन्होंने रंगेजी में लिखा कागज बहादुर सिंह को दूर से दिखा दिया। अरे बहादुर सिंह रंगेजी तो पढ़ा है नहीं, बस उसको उनकी बात पर विश्वास हो गया। अब जरा तुम ही सोचो, वो नट नटी को सिर्फ छावनी में जाकर नाचने गाने की क्या जरूरत है, और भरा रंगेज बहादुर इसके लिए उनको इजाजत नामा लिख कर क्यों देगा? तो भैया इसका मतलब है कि भाई मंगल पांडे जो कह रहे हैं वो सही है? सही अजी, सोलो आने सही है, वो लोग हमें कोई बात समझाने ही आए थे। और अब मंगल भाई की बात से तो एकदम साफ हो गया, वो यही कहने आए थे कि अगर इन बंदरों को ना भगाया गया ना तो ये हमारे मुल्क को तबाह कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल माता दीन, यही मतलब था उस गाने का। पांडे जी एक बात तो बताओ,
इन फिरंगियों को भगाना आसान है क्या? घनश्याम सिंह, आसान तो कुछ नहीं होता, हमें हर काम को आसान बनाना पड़ता है। हम बगावत करेंगे। का पांडे, ये क्या कह रहे हो? अब बगावत? धीमे बोलो, कोई सुन लेगा। ये नटनटी का गाना हमारे लिए गुप्त संकेत था कि कुछ होए वाला है, तैयार रहो। फिकर ना करो, कल मैं उन्हें ढूंढकर मिलूंगा, तब सारी बात का पता चलेगा कि क्या तैयारी है। हाँ, जरूर पता करो। अरे, मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल, और जो पीछे हटे वो अपनी माँ का बेटा नहीं। बिल्कुल। देखो देखो, अभी अपने जोश को दबा कर रखो, सही वक्त आने दो। अगर फिरंगियों को हमारे इरादों की भनक पड़ गई तो बस मुश्किल हो जाएगी। हाँ। कैसे कोई ढोल बजाए, कैसे कोई गाए राग। राम राम, राम राम। जाओ भैया, जाओ जाओ, तमाशा खत्म हो गया है। अब हमें कुछ थोड़ा सुस्ता लेने दो। भाई लेकिन मैं तो तुम्हें लोगों से मिलने आया हूँ। वैसे तुम लोग जो दिख रहे हो वो हो नहीं है? अरे भैया, हम तो नाश्ते गाते हैं, लोगों का जी बहलाते हैं, और जो मिल जाता है बस उसी से गुजारा कर लेते। हाँ भाई, हम तो नट नटी हैं, इसके सिवाय हम कुछ भी नहीं हैं। क्यों हम पे शक करते हो भैया? अरे घबराओ नहीं, मैं अंग्रेज बहादुर का भेजा जासूस नहीं हूँ। तुम लोग ये जो गाना गाते हो ना, उनका भेद, उनका मतलब मैं समझ गया हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पलटन में सिपाही हूँ, पर जब से गाना सुना है तब से अपने देश, अपने जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की दिल में छटपटाहट है। करो भैया, जरूर करो, सबके दिल में यही आग जला दो। हाँ, पर थोड़ा संभल कर, फिरंगियों को पता ना चले। तैयारी पूरी रखो और वक्त का इंतजार करो। पर भैया, तुम हो कौन? नाम पता ठिकाना तो बताओ। नाम है मंगल पांडे, बलिया जिला, गांव नगवा। मैं यहाँ बंगाल आर्मी की नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट की 19वीं पलटन में सिपाही हूँ। मेरा नंबर है 1446। अरे बस 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 भैया, मान गए कि तुम खरे आदमी हो। चलो यहाँ से चलो। हाँ, हाँ, उधर बागीचे में हमारा डेरा है, वहीं बात करेंगे। हाँ, चलो भैया, चलो चलो चलो, चलो, चलो। कैसे कोई ढोल बजाए, कैसे कोई गाए राग। बैठो भैया। अब बताओ तो भैया, फिरंगियों के जुल्मों का जितना बयान करो उतना ही कम है। भला बताओ, अपने ही देश में अपने ही लोगों पे परदेसी जुल्म करें और हम सब बैठे देखते रहे? भैया, इसके लिए बगावत करनी होगी। और बिदूर के नाना साहब उसी क्रांति की तैयारी कर रहे हैं, बस जनता और देसी पलटनों के जागने की देर है। हम अपनी पलटन को क्रांति के लिए तैयार करूंगा, तुम नाना साहब को खबर भेज दो। वैसे तो हम सिर्फ एक मामूली सिपाही हूँ, बड़ी भरोसा दिलाता हूँ कि 1940 नंबर की पलटने एकदम तैयार मिलेंगी। बस नेता लोग क्रांति का बिगुल फूके, जवाब में हम लोग अपनी बैरकों से निकल पड़ेंगे। अरे बस भैया, यही जोश बनाए रखना। हम गांव गांव पलटन पलटन घूम घूम के यही संदेश फैला रहे हैं। अरे लेकिन ये बिगुल बजेगा कब? अरे उसका दिन और तारीख हमें बताई जाएगी, वो खबर तुम लोगों तक पहुंच जाएगी। इस काम के लिए लोग फकीर, साधु, नट नटी, जादूगर, ज्योतिषी और ना जाने किन किन रूपों में घूम रहे हैं। हाँ, तो अच्छा भैया पांडे जी, अब हम कूच करेंगे। हाँ। इलो, ये नाना साहेब का संदेश पलटन में सुना देना। हाँ, 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 ठीक है। भैया घनश्याम, जाते जाते वो नट नटनी ईपुरजा थमाए गए।
बोले, ई में वो नाना साहेब का संदेश है, पढ़कर सबको सुनाए दो। तो पढ़ो भैया, का लिखा है ई में? लिखा है, भाइयों, हम खुद विदेशियों की तलवार अपने शरीर के अंदर घोंप रहे हैं, अगर हम मिलकर खड़े हो जावें तो सफलता निश्चित है। कलकत्ते से पेशावर तक सारा मैदान हमारा होगा। ठीक है भाई, ये संदेश हमारे लिए काफी है, हम सबको अब तैयारी में जुट जाना चाहिए। क्यों घनश्याम? और क्या भाई, मंगल पांडे यहाँ हमारे नेता हैं। हाँ। अंग्रेज सरकार ने सन 1853 में कंपनी की सेना में नई किस्म के कारतूस जारी किए। इन कारतूसों को बनाने के कारखाने भी कई जगह खोले गए। इससे पहले प्रचलित कारतूसों को सिपाही हाथों से तोड़कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन नए कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाही उन्हें इसी तरह इस्तेमाल करने लगे थे। कंपनी की सभी पलटनों में ये कारतूस चलने लगे थे। बैरकपुर के पास भी ऐसे नए कारतूस बनाने का एक कारखाना खुला हुआ था। बैरकपुर और दमदम की पलटनों के सिपाही भी इन कारतूसों को इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन वहां एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। पांडे जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। जरा अपना लोटा देंगे, पानी पीना है। कारे घिसवा, तू झाड़ू सफाई करने वाला, तेरी ये हिम्मत कि हमसे हमारा लोटा मांगे, वो भी पानी पीने के लिए। मेरे लोटे में तू घिसवा पानी पिएगा, ए हमारा धर्म भ्रष्ट करेगा। धर्म तो भ्रष्ट कर दिया फिरंगियों ने तुम्हारा भुजबल भैया, अब ये जाति पाति और छुआ छूत का चक्कर भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं, मैं ब्राह्मण हूँ, एक शूद्र को पानी पीने के लिए लोटा कैसे दे दूं? ना दो, लेकिन जल्दी ही जब गाय की चर्बी तुम्हारी जीभ और होठों पर लगेगी तो क्या करोगे? क्या बकवास कर रहा है रे घिसुआ, तेरा दिमाग तो नहीं फिर गया? दिमाग तो आप लोगों का सही हो जाएगा जब नए कारतूसों को दांत से तोड़कर चलाओगे, ये छुआछूत का सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। क्या क्या, फिर से तो बोल, कारतूसों को क्या करना पड़ेगा? अब जो नए कारतूस आए हैं उनको हाथ से नहीं दांत से काट कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, यानी हिंदू मुसलमान दोनों के धर्म भ्रष्ट कर देंगे ये नए कारतूस। ये तू सही कह रहा है, एकदम 16 आने सच। पांडे जी, लोटा तो मैंने यूं ही मांगा था, पर मैं जो कह रहा हूं वो एकदम सच है, अभी सर्जेंट साहब के बंगले पर सुनकर आ रहा हूं, होशियार हो जाओ पांडे जी। कारतूसों में चर्बी वाली बात बिजली की तरह सारे देश के भारतीय सिपाहियों में फैल गई। बैरकपुर से पेशावर और महाराष्ट्र तक भारतीय सिपाहियों को हजारों पत्र भेजे गए और नए कारतूसों के बारे में चेतावनी दी गई। इससे अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेज अफसरों के प्रति भारतीय सिपाहियों में असंतोष फैल गया। अंग्रेज अफसरों ने पहले तो समझाने की कोशिश की, फिर साफ इनकार करने लगे कि ऐसी कोई चर्बी नहीं इस्तेमाल की गई। लेकिन भारतीय सिपाहियों को विश्वास नहीं हुआ, उनमें असंतोष बढ़ता ही गया। कारतूसों में चर्बी के प्रयोग की बात अंग्रेज इतिहासकारों ने भी मानी है। इतिहास लेखक के लिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चिकने मसाले को बनाने में गाय की चर्बी का उपयोग किया गया है। इसी तरह अंग्रेज लेखक लॉर्ड रॉबर्ट्स अपनी पुस्तक 40 Years in India में लिखता है, मिस्टर फॉरेस्ट ने भारत सरकार के कागजों की हाल में जांच की है। उस जांच से साबित होता है कि कारतूसों को तैयार करने में जिस चिकने मसाले का उपयोग किया जाता था वो मसाला वास्तव में दोनों निषिद्ध पदार्थों यानी गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी को मिलाकर बनाया जाता था, और इन कारतूसों के बनाने में सिपाहियों के धार्मिक भावों की ओर इतनी बेपरवाही दिखाई जाती थी कि जिसका विश्वास नहीं होता। इसी बारे में प्रसिद्ध इतिहास लेखक विलियम लैकी लिखता है,
ये एक लज्जाजनक और भयंकर सत्य है कि जिस बात का सिपाहियों को विश्वास था वो बिल्कुल सच थी। फरवरी 1857 में बैरकपुर छावनी की 19 नंबर पलटन को नए कारतूस प्रयोग करने के लिए दिए गए। सिपाहियों ने उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 19 नंबर पलटन के सिपाहियों को इस नाफरमानी की सजा देने का फैसला किया। फैसला ये था कि 19 नंबर पलटन के सभी सिपाहियों से हथियार रखवा लिए जाएं और सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि उस वक्त पूरे बंगाल में कोई गोरी पलटन न थी। इसलिए अफसरों ने तुरंत बर्मा से एक गोरी पलटन बुलवाई। 19 नंबर पलटन के सिपाहियों को किसी तरह अंग्रेजों की इस योजना का पता चल गया। हम वीरों की मौत मरेंगे, अपमानित होकर हथियार कभी ना रखेंगे। ठीक कहे तो भैया मंगल पांडे, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। अरे लेकिन हथियार ना रखोगे तो करोगे क्या? बगावत! आहिस्ता बोलो पांडे जी, आहिस्ता। मुझे किसी का डर नहीं है। अंग्रेज क्या करने वाले हैं ये हम अच्छी तरह समझता हूँ। उनको डर है कि हम कहीं विद्रोह न कर दें, इसीलिए हमारे हथियार रखवाना चाहते हैं। हमें रोकने के लिए बर्मा से अंग्रेजी पलटन भी मंगवाई है। अब बताओ कि जब बर्मा की फौज आकर तुम्हारी बेइज्जती करेगी तो क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे? माता दीन भाई, पांडे जी की बात ठीक है। जब मरने मारने का ही उपाय बाकी बचा हो तो डरना का है। हम गोरी पलटन से मुकाबला करेंगे। सूबेदार जगमोहन सिंह, आप इतनी देर से चुप क्यों हैं? अरे कुछ बोलिए ना, पांडे जी को जरा समझाइए। पांडे जी, मैं जो कुछ कहूंगा उससे ये न समझना कि हम बुजदिल या कायर हैं। हम तो लड़ने को तैयार हैं, पर एक बात सोचने की है। हमने बगावत तो कर दी और हमको बाहर से मदद न मिली तो अकेला चना भाड़ कैसे फोड़े वाली मसल हो जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि हम बगावत तब करें जब हमारा बलिदान व्यर्थ न जाए। सूबेदार साहेब, दुश्मन जब हमले से बेखबर हो उस वक्त हमला करने से उसको भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भाई मंगल पांडे, दुश्मन इस वक्त हमसे खबरदार है, तभी तो उसने रंगून से गोरी पलटन बुलाई है। पांडे जी, क्रांति के नेताओं ने 31 मई की तारीख मुकर्रर की है। अरे उसी रोज क्रांति करना ठीक होगा। और तब तक हाथों में चूड़ियां पहने बैठे रहो माता दीन। हाँ, तुम लोगों की जो मर्जी आए करो, कहे कहीं के। अरे पर पांडे जी सुनो तो, अरे सुनो तो। अरे March 1857 परेड मैदान में बैरकपुर छावनी की 19 नंबर पलटन आकर खड़ी हुई। मंगल पांडे की एक तरफ बालेश्वर राम खड़ा था और दूसरी तरफ रमजान अली। क्या बात है पांडे जी, कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो। रमजान अली, ये बताओ, अगर आज तुमको ये नए वाले कारतूस चलाने को दिए जाएं तो तुम उनका इस्तेमाल करोगे? लाहौल वाला कुवत पांडे जी, मैं मर जाऊंगा लेकिन चर्बी वाले कारतूस कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। बस यही लड़ाई मैं अपने अंदर लड़ रहा हूं। कहने और करने में बड़ा फर्क है पांडे जी। अंग्रेज अफसरों के हुक्म की खिलाफत करना आसान नहीं है। इस वक्त सारे मुल्क पर राज कर रहे हैं। लगता है अंग्रेजों का नमक खाए खाए के तुम्हारा खून भी उन्हीं के जैसा हो गया है। बुरा ना मानना पांडे जी, नमक तो आप भी अंग्रेजों का ही खा रहे हैं। हाँ, पर उनके बदले हम अपना धर्म अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखे हैं। गुलाम होकर कैसा धर्म और कैसा स्वाभिमान? अगर हमको अपनी आन बान की इतनी फिक्र होती तो सात समुंदर पार करके आए फिरंगी हम पर राज ना करते। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अंग्रेजों की ताकत के सामने हमारी ताकत जवाब दे गई है? ताकत जवाब नहीं दे गई बलेश्वर राम, ये कहो कि हम अपने देश की फूट का नतीजा भोग रहे हैं। कुछ एक गद्दारों ने इस मुल्क को गुलाम बना दिया है, लेकिन ये ना भूलो कि हमारे अंदर अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने की ताकत अभी है। ये सब कहने की बातें हैं पांडे जी, सब कहने की बातें हैं। तैयार हो जाओ हथियार डालने के लिए। वो देखो सार्जेंट मेजर हुसैन घोड़े पर चला रहा है। भीड़ किस लिए आओ? चलो, हमें इन फिरंगियों का नाश करना है। इन्होंने हमें गुलाम बना रखा है। उठाओ, क्रांति का वक्त आ गया है। अरे किस सोच में पड़ गए हो?
स्वतंत्रता देवी की पूजा के लिए इन अत्याचारी शत्रुओं पर आक्रमण कर दो, खदेड़ दो इन्हें अपनी मातृभूमि से। ए, ये क्या बात कहा है? भाइयों आगे आओ, खड़े क्यों, क्या सोच रहे हो? क्रांति की आग जला दो। गिरफ्तार कर लो इसे, ये बागी हाय। आई, तुम हमारा हुक्म नहीं सुना, पकड़ लो इसे। आजादी के दीवानों को कोई क्या पकड़ेगा मेजर साहब? मंगल पांडे ने मेजर हुसैन पर गोली चला दी। अरे भगवान, मेजर तो घोड़े पर ही ढेर हो गया। या खुदा, पांडे ने तो खसब कर दिया। लो लेफ्टिनेंट बाहर भी आ गया, अब तो मुसीबत हुई समझो। या अल्लाह, पांडे ने लेफ्टिनेंट बाहर को भी अपनी गोलियों का निशाना बना लिया। अरे लेफ्टिनेंट बाहर देखो, गिर कर भी उठ बैठा। अब क्या होगा, उसने पिस्तौल तान ली है पांडे की तरफ। निशाना से नहीं बच सकता। अरे खसम हो गया बालेश्वर, पांडे ने अपनी तलवार से लेफ्टिनेंट बाहर को मार डाला। पकड़ लो इस बागी को। बचाओ लो, कट जाओ। आ गया कर्नल विलियम, आ गया कर्नल। अरे रमजान, तुमने कर्नल विलियम को ढेर कर दिया। हाँ बालेश्वर भाई, इन फिरंगियों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। मंगल पांडे को पकड़ने की कोशिश नहीं करना। मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, जिंदाबाद। अरे वो देखो, कर्नल व्हीलर आते आते रुक गया। पकड़ लो इस बागी को। खबरदार, कोई हाथ ना लगाना, अगर किसी ने हाथ लगाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे लो, वो वापस जा रहा है, अब तो जरूर गोरे सिपाहियों को लेकर आएगा। अरे ले आए तो क्या, परवाह किसे है? परवाह किसे है? परवाह कैसे नहीं रमजान अली, हमारे पास तो पूरा गोला बारूद भी नहीं है, अगर लड़ना पड़ा तो कितनी देर तक लड़ेंगे हैं? पांडे ने गुस्से में आकर अंग्रेज अफसरों को मार तो दिया है, पर थोड़ी देर में अंग्रेजों का गुस्सा जब हम पर बरसेगा तब क्या होगा? अरे बालेश्वर, पांडे ने जो किया है ठीक किया, अफसोस तो ये है कि तुम्हारी रगों में पांडे जैसा खून क्यों नहीं है। काबाश, मैं समझ गया हूं, तुम लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। कोई परवाह नहीं, मैं अब अकेले ही कुछ करूंगा। तुम लोग कुछ ना करोगे, सिर्फ बातों की गोलियां दाग रहे हो। कर्नल व्हीलर आता ही होगा, वीरों के लक्षण ही नहीं है कि वो सिर्फ बातें करने में वक्त गवाएं। अब कुछ करने का वक्त आ गया है। और जनरल हैरिस गोरी पलटन लेकर आ रहे हैं। कैसा भीड़ लगाए? मैं कहता हूँ को खत्म कर देगा। भाइयों, अभी भी वक्त है, उठा लो अपने हथियार और दिखा दो हमारी रगों में वीरता का खून बह रहा है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता देवी के चरणों में मैं ही अपनी पहली आहुति देता हूँ।
घायल मंगल पांडे को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में उनका इलाज हुआ, फिर कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें फांसी की सजा दी गई। लेकिन उन्हें फांसी देता कौन? इसलिए अंग्रेज अफसरों ने कलकत्ते से जल्लाद बुलाए। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। किंतु मंगल पांडे के बलिदान की चिंगारी महाज्वाला बनकर सारे देश में सन 57 की क्रांति के रूप में धधक उठी थी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 8वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, कीमती आनंद, आदिल राणा, मनोज भटनागर, सुभाष गुप्ता, आर के शर्मा, शाहनवाज, वीणा मेहता और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।